Now let us take this question. What it says, a round table cover has 6 equal designs. ये round table cover है, cover के यहाँ आखिरी आखिरी में इसने 6 design दिए हुए हैं. If the radius of the cover is 28 centimeter, now radius of the cover यानी center से अगर मैं यहाँ बनाऊ, it will be 28 centimeter दिया हुआ है. Okay, find the cost of making design at the rate of 0.35 per centimeter square. यहाँ हमें यूज करना है रूट 3 इक्वल टू 1.7 का यूज करना है. ठीक है, नाउ लेट अस सी. यहाँ हमें दिया है डिजाइन बना रहे हैं, ओनली डिजाइन के बारे में बात हो रही है हमको. डिजाइन के बारे में बात हो रही है, तो अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूंगा तो इट विल बिकम ए सेगमेंट. ठीक है, मैं इसको नाम दे देता हूं लेट्स ओ ए बी. ना ओ ए बी इज दी, ये हमारा ये सेक्टर बन गया ओ ए बी, और ये जो सेक्टर सेगमेंट है इसमें ही डिजाइन बना हुआ है. ठीक है, तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमको फाइंड आउट करना है कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन एट द रेट ऑफ पॉइंट दिस. पर सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट दिया हुआ है, तो हमको इस डिजाइन बनाने के लिए टोटल कितना एरिया डिजाइन का लग रहा है ये हमको चाहिए, और उसको हम कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टोटल कॉस्ट आ जाएगा. ओके, तो लेट्स सी, ये जो है हमारा सेगमेंट जो बन रहा है, इस सेगमेंट का हमको एरिया फाइंड आउट करना है, और इस सेगमेंट के एरिया को हम 6 टाइम्स कर देंगे तो हमारा टोटल एरिया ऑफ द डिजाइन आ जाएगा. ठीक है, डिजाइन का टोटल एरिया आ जाएगा, उसको हम 0.35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे इसकी कॉस्ट आ जाएगी. तो इस सेगमेंट का एरिया हमको फाइंड आउट करना है. इस सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ये एंगल होना चाहिए. तो ये एंगल थीटा कितना होगा, नाउ एंगल थीटा इज इक्वल टू, अगर ये टोटल हम राउंड में देखेंगे तो टोटल एंगल होता है 360 डिग्री, और अभी हमने क्या किया, इसको 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, तो द एंगल विल बी 360 डिग्री डिवाइड बाय 6, दैट इज 60 डिग्री का ये एक एंगल बनने वाला है. थीटा एक सेक्टर अगर हम देखें तो वो 60 डिग्री का आने वाला है. ठीक है, तो लेट अस सी कि कैसे हम करेंगे. नाउ दिस एरिया ऑफ डिजाइन क्या होगा, इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ दिस सेगमेंट. एरिया ऑफ सेगमेंट कौन सा सेगमेंट है, ए पी बी सेगमेंट की बात कर रहे हैं. एरिया ऑफ सेगमेंट ए पी बी के अंदर जो रीजन आ रहा है दैट कम्स आउट टू बी दिस 6 टाइम्स. ठीक है, नाउ ये क्या होगा, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या निकलेगा, पहले हम एरिया को निकालते हैं. एरिया ऑफ सेगमेंट क्या आ जाएगा, दैट इज एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल. ये हमें मालूम है, दैट इज एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी. ठीक है, नाउ पहले हम क्या निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेते हैं, सेपरेटली निकाल लें या एक साथ भी निकाल सकते हैं. तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या आ जाएगा, नाउ एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. तो क्या बन जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री है हमारे पास, दैट इज 360 इंटू पाई, और आर रेडियस हमको दिया है 28 स्क्वायर. ठीक है, इसको अगर हम सॉर्ट आउट करते हैं तो हमारे पास आता है 410.66 सेंटीमीटर स्क्वायर. इस पूरे सेक्टर का जो एरिया है वो इतना आ गया है, और हम देखना है हमको एरिया ऑफ ट्राइंगल. अगर हमको डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो हमको डायरेक्ट लगा सकते हैं, दैट इज आर स्क्वायर साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, और अगर याद नहीं है तो हम एक मिनट के अंदर उसको डेराइव भी कर सकते हैं, जैसे हमने पहले से किया है, फट जल्दी से डेराइव करके फिर यहां उसको फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ दिस इज आर स्क्वायर इज इक्वल टू 28 स्क्वायर इंटू साइन थीटा बाय 2. नाउ थीटा इज 60 डिग्री, तो साइन थीटा बाय 2 इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री. इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, दैट इज 1/2 इंटू √3/2. इसको यहां हम रखेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 196√3. तो √3 की वैल्यू क्या रखनी है, वो हमें यहां पर दी हुई है, √3 इज इक्वल टू 1.7, और वो वैल्यू को अगर हम रखते हैं तो हमारे पास आता है 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास आता है इस एरिया ऑफ ट्राइंगल का. तो यहां से देखेंगे तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या बन गया हमारे पास, व्हाट इज दिस एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, दैट इज 410.66 माइनस 333.2.
ठीक है, इसको हम सॉर्ट आउट करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 77.46 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉर्ट आउट कीजिए तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। दिस इज द एरिया ऑफ दिस सेगमेंट। तो टोटल एरिया ऑफ डिजाइन क्या है ना, यहां से देखिए तो एरिया ऑफ डिजाइन क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ डिजाइन था 6 टाइम्स इनटू दिस 77.46, टोटल डिजाइन का एरिया बन गया 469.76। इसको आप सॉर्ट आउट कीजिए, 469.76 सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल डिजाइन का एरिया। सारे 6 सेगमेंट में जो दिख रहा है हमको उन सबको ऐड करेंगे या 6 टाइम्स करेंगे तो इट विल बी 469.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ कॉस्ट ऑफ डिजाइन क्या है, कॉस्ट ऑफ डिजाइन है टोटल एरिया इनटू डिजाइन कॉस्ट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हम कह सकते हैं, टोटल एरिया इनटू रेट। नाउ क्या हो जाएगा, दैट इज 469.76 इनटू 0.35। इसको हम सॉर्ट आउट करेंगे तो इट विल बी 162.66 रुपीज। तो ये हमारे डिजाइन की कॉस्ट आ जाएगी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को ऐसे अप्रोच करेंगे। नाउ लेट अस टेक दिस एग्जांपल, व्हाट इट सेज, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन वेयर द सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर हैज बीन ड्रॉन विद अ वर्टेक्स ओ ऑन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ओएबी ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर एज सेंटर। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ सेंटर लिया है और एक ट्राइंगल है हमारे पास, इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसका की एवरी साइड इज 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमने सेंटर इसका ओ सेंटर लेकर के हमने यहाँ से एक सर्कुलर आर्क ड्रॉ कर दिया है 6 सेंटीमीटर के रेडियस में। ओके, तो वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन। तो यहाँ हमको क्या दिख रहा है, हमको दिख रहा है कि एक ट्राइंगल है कंप्लीट जिसका एरिया प्लस दिस मेजर आर्क, मेजर सेक्टर का एरिया अगर हम फाइंड आउट कर दे, दोनों को जोड़ दें तो हमारे पास इस पूरे शेडेड रीजन का एरिया बन जाएगा। नाउ रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू क्या है, नाउ लेट अस सी, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल ओ ए बी, यहां पर पॉइंट ले लेता हूं मैं पी। ठीक है, नाउ दिस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी प्लस एरिया ऑफ मेजर आर्क, मेजर सेक्टर ओ, नाउ इनको भी नाम दे देता हूं मैं क्यू एंड आर। ठीक है, ओ क्यू पी आर, इस सेक्टर मेजर सेक्टर का हमको एरिया फाइंड आउट करेंगे, दोनों का एरिया क्लब करेंगे, सम करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। नाउ व्हाट अबाउट द एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, तो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसको हम फाइंड आउट करने के लिए, इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए या तो हम यहाँ इक्विलेटरल ट्राइंगल पे कोई परपेंडिकुलर डाल के, बेस हमारे पास मालूम है हमें 12 है, ये भी 12 है, 12 सेंटीमीटर है, ये भी 12 सेंटीमीटर है, हाइट को फाइंड आउट करेंगे हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड से हमारा एरिया आ सकता है। हमें मालूम है ये एंगल कितना है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये एंगल कितना होगा, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारे एंगल्स कितने होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं, यहां से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। एक रास्ता, दूसरा तरीका ये है कि हमारे पास हर तीनों साइड हमें मालूम है, हम सेमी पेरीमीटर निकाल सकते हैं और हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। लेट अस डू दैट। एरिया ऑफ ट्राइंगल ओएबी आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, आपको बस ये एरिया ऑफ ट्राइंगल सही तरह से फाइंड आउट करना है। नाउ व्हाट इज सेमी पेरीमीटर, एस, एस इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू। नाउ व्हाट इज दिस, 12 प्लस 12 प्लस 12 अपॉन टू, इट कम्स आउट टू बी 18 सेंटीमीटर सेमी पेरीमीटर। नाउ एस माइनस ए, किसी ट्राइंगल में इन ट्राइंगल ओ ए बी देखा है ना हम लोग, यहां लिख लीजिए इन ट्राइंगल ओ ए बी, इन ट्राइंगल ओ ए बी, एस माइनस ए इज इक्वल टू एस, एस माइनस ए कितना हो जाएगा, 18 माइनस 12, हर साइड उसकी 12 की है, दैट इज 6। सिमिलरली एस माइनस बी इज इक्वल टू एस माइनस सी, ये सारे कितने आ जाएंगे, 6 सेंटीमीटर। ओके, नाउ हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या निकलेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी होता है, दैट कम्स आउट टू बी 36 रूट 3। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा।
Now this becomes the area of triangle. Now we have to find out the area of this major sector. तो major sector निकालने का तरीका क्या है? इस minus sector को निकालेंगे और full area में से minus कर देंगे एक. Otherwise इस बड़े angle को देखेंगे कि ये बड़ा angle कितने का है, ये major angle reflex angle कितने का दिख रहा है. Now this is 60, तो reflex angle कितने का बन जाएगा? That is 300. Now area of triangle, area of major sector. एरिया ऑफ मेजर सेक्टर ओ क्यू पी आर इट विल बिकम्स 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर. नाउ आर इज 6 स्क्वायर, ठीक है. नाउ थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो एरिया कितना बन जाएगा? 300 अपॉन 360 इंटू पाई, पाई की जगह 22 अपॉन 7 लिखेंगे, 6 स्क्वायर. तो इट विल कम आउट टू बी, जब हम इसको सॉल्व करेंगे इट विल कम आउट टू बी 660 बाय 7, ठीक. तो रिक्वायर्ड एरिया हमारा कितना हो जाएगा यहां से? रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, दैट इज 36 रूट 3 प्लस 660 अपॉन 7. दिस विल बी अवर टोटल रिक्वायर्ड एरिया. नाउ लेट अस टेक दिस एग्जांपल. व्हाट इट सेज, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर वेयर ए बी एंड सी डी आर टू डायमीटर्स ऑफ सर्किल विद सेंटर ओ एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर. यहां हमें दो डायमीटर्स दिए हुए हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मतलब अगर ये एंगल इसको मैं देखूं तो इट कम्स आउट टू बी 90 डिग्री. ओके, एंड परपेंडिकुलर रीजन ओ डी इज द डायमीटर ऑफ स्मॉल सर्किल. ये स्मॉल सर्किल भी एक दिया हुआ है, इसका डायमीटर ओडी इज 7 सेंटीमीटर, यानी कि हमको ये डायमीटर ओडी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर दिया है. तो व्हाट इज गिवन टू अस? गिवन इज ओडी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ये हमको दिया है. और दिया है कि ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी. ए बी जो है वो सी डी के परपेंडिकुलर है या दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है. सेंटर ओ है और ये हमको शेडेड रीजन बताना है. नाउ यहां से हम देखते हैं, अगर ओडी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है तो बाकी ओ ए ओ सी एंड ओ बी कितना होगा? दे ऑल आर 7 सेंटीमीटर. तो यहां से हम फ्रॉम देख सकते हैं कि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू ओ डी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. क्यों? दैट इज रेडियाई, रेडियाई ऑफ सर्किल, ठीक है. ये हमको पहली चीज मालूम चल गई. ना हमें बताना क्या है, हमें एक तो इस सर्किल का शेडेड रीजन में दो पार्ट दिख रहे हैं. पहला पार्ट है ये सर्किल और दूसरा पार्ट है ये यहाँ शेडेड पोर्शन जो है, ठीक है. नाउ वी कैन, हाउ कैन वी फाइंड दैट? यहाँ दो ऑप्शन है. देखिए सर्किल का एरिया तो आप बता सकते हैं, शेडेड पोर्शन का. तो एरिया यह हम लिखते हैं रिक्वायर्ड एरिया. रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्मॉल सर्किल प्लस नाउ एरिया ऑफ सेगमेंट ए सी प्लस एरिया ऑफ सेगमेंट बी सी, ठीक है. एरिया ऑफ सेगमेंट ए सी प्लस एरिया ऑफ सेगमेंट बी सी. ये सेगमेंट यहां है, इस सेगमेंट का एरिया और इस सेगमेंट का एरिया. इस तरह से हमको इन तीनों सबको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा, ठीक है. तो एरिया ऑफ स्मॉल सर्किल का लेते हैं. और इसके अलावा एक और ऑप्शन हमारे पास है, हमें ये दो सेगमेंट का एरिया निकालना है अगर, तो हमारे पास दो तरीके हैं. दो तरीके क्या हैं? पहले तो हमारे पास ये एक सेगमेंट दिया हुआ है, हम इसका एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड आउट कर लेंगे और ये दोनों दोनों इक्वल होंगे और यहाँ का एंगल 90 डिग्री हमें दिया ही हुआ है क्योंकि दोनों डायगोनल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है. तो हम इस तरह से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं. हमारे पास एक और तरीका है जिसमें हमको इस सेगमेंट वगैरह यूज ना करना पड़े, वो क्या है? यहां हम देख सकते हैं कि एक सेमी सर्कल है. नाउ लेट अस सी, दिस इज ए सेमी सर्कल. यहां हमें दिख रहा है दिस इज बी और दिस इज ए, ये हमको एक सेमी सर्कल दिख रहा है. और यहां पे क्या दिख रहा है हमें? एक ट्राइंगल दिख रहा है, ठीक है. यहां हमें एक ट्राइंगल दिख रहा है. तो अगर मैं इस सेमी सर्कल के एरिया में से इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूं तो मेरे पास ये बचे हुए दोनों सेगमेंट्स का एरिया आ जाएगा. नाउ इस केस में ये 7 है, 7 है, ये भी 7 सेंटीमीटर है और ये भी सेंटीमीटर है, 7 है, ठीक है, क्योंकि सब रेडियस है. तो नाउ द बेस इज 14 एंड हाइट इज 7, वी कैन इजीली फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल.
ठीक है, तो हम इस मेथड को लगाएंगे तो हमारे लिए बहुत सिंपल हो जाएगा। तो एरिया ऑफ सेगमेंट एसी और बीसी की जगह हम निकाल सकते हैं एरिया ऑफ दिस सेमी सर्किल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, इस तरह से हम रिक्वायर्ड एरिया को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये सेगमेंट का एरिया निकालने की बजाय हम यहाँ पे डायरेक्ट एरिया ऑफ सेमी सर्किल माइनस माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल करेंगे तो क्या बन जाएगा, तो वन बाय वन देखते हैं, दैट इज एरिया ऑफ स्मॉल सर्किल, वन बाय वन करेंगे। एरिया ऑफ स्मॉल सर्किल क्या बनेगा, पाए आर स्क्वायर, यहाँ पे आर कितना है, यहाँ पे पूरा डाया है सेवन, जो जो बड़े सर्किल का रेडियस है वो स्मॉल का डाया है, तो क्या बन जाएगा सेवन बाय टू होल स्क्वायर। ठीक है, और पाई की जगह हम पुट करेंगे 22 अपॉन 7 इंटू 7 बाय 2 होल स्क्वायर, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इट कम्स आउट टू बी 77 बाय 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये स्मॉल सर्किल का एरिया आ गया 77.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नाउ एरिया ऑफ सेगमेंट दिस प्लस दिस, जो हमारे काम का जरूरत है, एरिया ऑफ सेगमेंट एसी प्लस एरिया ऑफ सेगमेंट बीसी, इट इज इक्वल टू, ये पूरा क्या बन जाएगा, दिस विल बी एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ये हम कर देंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। कई तरीके हैं, आप चाहे तो सेक्टर फार्मूला सेक्टर और सेक्टर में से ट्राइंगल माइनस करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं, पर यहां पर हम देख रहे हैं इस तरह से भी हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ क्या बन जाएगा, ए और सेमी सर्किल क्या होता है, हाफ इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, नाउ इस बड़े सर्किल का रेडियस क्या है, दैट इज सेवन स्क्वायर। ठीक है, सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर और यह सेमी सर्किल इज हाफ पाई आर स्क्वायर माइनस दिस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या बन जाएगा, हाफ इंटू ए बी, या मैं यहां लिख देता हूं पहले हाफ इंटू ए बी इज द बेस और यहां पे ओसी, ओसी इज द हाइट, हाफ इंटू ए बी इंटू ओसी, लेट्स सी ये क्या बन जाता है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 77, दिस कम्स आउट टू बी 77, यहां लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, दैट इज हाफ इंटू ए बी कितना है 14 इंटू 7। ठीक है, दिस कम्स आउट टू बी 77 माइनस 49, ठीक है ये 49 बन जाएगा, 77 माइनस 49 कितना हुआ 28। ठीक है, तो हमारे पास ये सेगमेंट है इसका एरिया कितना आ गया, दैट इज 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो टोटल एरिया कितना है, रिक्वायर्ड एरिया दैट इज एरिया ऑफ स्मॉल सर्किल प्लस एरिया ऑफ दिस, दिस इज 28, तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, नाउ रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्मॉल सर्किल दैट इज 77 बाय 2 प्लस 28। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नाउ लेट अस टेक अनदर क्वेश्चन, व्हाट इट सेज, ओएसीबी इन दिस फिगर, ओएसीबी इज अ क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल विद सेंटर ओ एंड रेडियस 3.5, नाउ दिस रेडियस इज गिवन टू अस 3.5 सेंटीमीटर, ये हमें क्वाड्रेंट दिया है, ओएसीबी एक क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल है विद रेडियस 3.5 है ना, ओडी इज गिवन एज 2 सेंटीमीटर, नाउ ओडी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर इज गिवन टू अस। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ओएसीबी एंड शेडेड रीजन, दो पार्ट में दिया हुआ है हमें क्वेश्चन, पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ओएसीबी, नाउ दो तरीके हैं फिर इसको सॉल्व करने के, यहां से हम समझ सकते हैं कि ये क्वाड्रेंट है, दैट मीन्स 1/4 ऑफ क्या 1/4 ऑफ द सर्किल हो सकता है, तो पूरा सर्किल का एरिया निकाल के हम 1/4 करेंगे तो क्वाड्रेंट का एरिया आ जाएगा, और वी कैन से क्वाड्रेंट है दैट इज 90 डिग्री होगा, अगेन द सेम थिंग, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा, क्वाड्रेंट है दैट इज 360 इंटू पाई आर स्क्वायर,
आर इज 3.5 होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, ये सॉल्व आउट होकर आ जाएगा। इस क्वाड्रेंट का एरिया सिंपल है, या हम कर सकते हैं पाई आर स्क्वायर बाई 4 करेंगे तो भी हमारे पास सेम आंसर आ जाएगा, एक तरीका ना। दूसरा हमें दिया हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। शेडेड पोर्शन क्या कहता है, शेडेड पोर्शन कहता है इस क्वाड्रेंट के एरिया में से अगर मैं ये ट्राइंगल को माइनस कर दूं, ये ट्राइंगल बन रहा है, इस ट्राइंगल के एरिया को मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास इस शेडेड पोर्शन का ये एरिया आ जाएगा। नाउ तो दिस क्या एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ ट्राइंगल लेते हैं पहले हम लोग, वॉट इज बीओडी, इस बीओडी ट्राइंगल का एरिया अगर हम ले लें, एरिया ऑफ ट्राइंगल बीओडी इसका एरिया अगर हम ले लें तो क्या बन जाएगा, दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू 3.5 इंटू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट कम्स आउट टू बी 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आ गया, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या है, नाउ एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ डी, इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो व्हाट इट कम्स आउट टू बी, इट कम्स आउट टू बी 77/8 माइनस 3.5, ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ इसको अगर हम सॉर्ट आउट करते हैं तो इट कम्स आउट टू बी 49/8 मीटर स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 49/8 मीटर स्क्वायर।